भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा, साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। आकाशवाणी समाचार के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन इंटरनेट से पूर्व इस्तेमाल किए जाने वाले अर्पनेट के माध्यम से 29 अक्टूबर 1978 को दो कंप्यूटरों के बीच भेजे गए पहले संदेश की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली और मुंबई में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक की। वे इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के व्यापक समाधान की आवश्यकता पर बल देगा। केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत की। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों के कल होने वाले उपचुनाव के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 104,85,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।